हेलो स्टूडेंट, तो सभी लोग आ गए। चलो भाई, आज की लेक्चर नंबर 2 चालू किया जाए। मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में, जो लास्ट टू लास्ट डे में हुआ था, कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री की छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। वो बातें जो हम लोग 9, 10, 11 और 12th में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग के दिमाग से वो बातें स्किप हो जाती हैं, तो साल भर प्रॉब्लम होती है। इसलिए केमिस्ट्री के टॉपिक चालू करने से पहले उन छोटी छोटी बातों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पिछली क्लास में लेक्चर 1 में मैंने आपको एटम के बारे में बताया था कि एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और जिसके चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। हम लोगों ने लेक्चर 1 में ये भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। कहने का मतलब, इलेक्ट्रॉन ही वो पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आपने पिछली क्लास में हमसे इस चीज को ऐसे समझा भी था कि जैसे Na है, Cl है, Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1, और Cl के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 7। तो आप लोगों ने 11, 12 में पढ़ा होगा कि सोडियम जो है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को डोनेट कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इस पे प्लस चार्ज आ गया, और इस पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पर माइनस चार्ज आ गया, और ये दोनों आपस में मिलकर एक कंपाउंड बना लेंगे, NaCl, जिसे हम लोग कहते हैं नमक, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। मतलब ये मैंने इसलिए बताया था पिछली क्लास में कि मैं ये बताना चाह रहा था कि इलेक्ट्रॉन ही वो पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अच्छा, 1 मिनट। ओके, अब आज का लेक्चर नंबर 2 चालू होने जा रहा है, और आज के लेक्चर नंबर 2 में हम छोटी छोटी मगर छोटी बातों में सिखाना चाहते हैं आपको अबाउट आयन। क्या सिखाएंगे बताओ? आयन के बारे में सिखाएंगे। अब आपको दिखाई पड़ रहा है, इन इलेक्ट्रॉनों की आदान प्रदान के कारण ही तो ये आयन से पैदा हो रहे। मतलब अगर किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो कैटायन में बदल रहा है, और अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को कहीं से एक्सेप्ट कर लिया तो वो एनायन में बदल रहा है ना? एक सीधा सा लॉजिक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो अगर निगेटिव को निकाल दिया तो चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर निगेटिव को ले लिया तो चार्ज क्या आएगा? निगेटिव। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंजमेंट से आयन से पैदा होते हैं, राइट? तो आज हम लोगों को इस आयन के बारे में ही पढ़ना है। तो आओ जरा बेटा, फटाफट चालू करें। आयन हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक कैटायन हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऐसे आयन जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो उन्हें हम कहेंगे कैटायन, और दूसरे एनायन हैविंग नेगेटिव चार्ज। ओके, जस्ट मिनट। तुम लोगों ने पिछली क्लास में इस चीज को समझा भी था कि कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एटम के अंदर चार्ज के मामले में दो चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो बेटा न्यूट्रल होता, हटा दो उसको। तो इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले का नंबर
निगेटिव चार्ज वाले से ज्यादा हो, गारंटी है। कैटायन में अगर आप प्रोटोनों का नंबर निकालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनों के नंबर से ज्यादा आए, और इनके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो गारंटी है निगेटिव वालों का नंबर पॉजिटिव वालों से ज्यादा। ओके, ये पिछली क्लास में ही बता दिया था मैंने, कैटायन बोले तो पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटॉनों का नंबर इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा होगा, और एनायन बोले तो निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉनों का नंबर प्रोटॉनों से ज्यादा होगा। अब हम लोग बात करना चाहेंगे कुछ एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल जब देखो, सुनो बेटा, कैटायन में अगर बात करें तो सबसे पहले काम करेंगे हम लोग फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट, ध्यान दो सब लोग। आप लोगों ने 11th 12th में पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल में आपने कुछ ऐसे वर्टिकल कॉलम्स पढ़े होंगे, खड़ी खड़ी लाइनें आपने देखी होंगी, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप, पढ़ा है आप लोगों ने। बस हम लोग उसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, पहले ग्रुप की बात कर रहे हैं, बोले तो फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट बेटा होते हैं, जब भी वो अपना कैटायन बनाते हैं उनके ऊपर चार्ज आता है प्लस वन। बोलो कितना आता है, प्लस वन। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक लर्निंग ट्रिक है, लीना करे रब से फरियाद, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। लर्निंग ट्रिक मैंने क्या बताई आपको, लीना करे रब से फरियाद। ओके, उम्मीद करता हूं नाम आपको मालूम होंगे, फिर भी ना मालूम हो तो मैं सुन लीजिए। दिस इज व्हाट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबनीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और ये जो फ्रांसियम होता है बेटा, ये अनस्टेबल होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो आप इसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। तो लीना करे रब से फरियाद, नाम बोलो मेरे साथ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिनीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, एंड फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव अनस्टेबल। अच्छा, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, दूसरा है बेटा सेकेंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप के बाद आता है सेकेंड ए ग्रुप, और सेकेंड ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं ये जब भी अपना कैटायन बनाते हैं इन पे चार्ज आता है प्लस टू। बोलो क्या आता है, प्लस टू। कौन कौन से एलिमेंट हैं सेकेंड ए ग्रुप के, तो लर्निंग ट्रिक है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बहुत सारे होते हैं गाने, कुछ भी बना सकते हैं, बहुत टाइम से मैं ये वाला बता रहा हूं, कुछ किताबों में यहाँ पे कार लिख देते हैं, ठीक है। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, मैं एक बार नाम बोलना चाह रहा हूं, ना मालूम हो तो लिख लीजिएगा, बेरेलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम, बोलो स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, जस्ट लाइक टू फ्रांसियम, रेडियम इज आल्सो रेडियो एक्टिव. रेडियो एक्टिव का मतलब अनस्टेबल होगा, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं. ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जब भी कैटायन बनाएंगे प्लस वन स्टेट का बनाएंगे, और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट जब भी कैटायन बनाएंगे प्लस टू स्टेट का बनाएंगे. जगह नहीं है हमारे पास नीचे की तरफ, इसलिए मैं ऊपर का हिस्सा रब कर रहा हूं. ठीक है, कुछ और कैटायन देखो बेटा, एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम बेटा जब भी अपना आयन बनाता है इस पे चार्ज आता है प्लस थ्री. बेटा बोलो क्या आएगा, प्लस थ्री. एल्यूमिनियम जब भी अपना आयन बनाता है उस पर चार्ज आता है प्लस थ्री. आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये चार्ज प्लस वन ही क्यों आया, ये चार्ज प्लस टू ही क्यों आया, ये चार्ज प्लस थ्री ही क्यों आया, इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वो भविष्य की बातें. मैं जैसा कि आपको फिर बताना चाह रहा हूं, मैं केमिस्ट्री का कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपके बेसिक बेसिक बातें आपको बता रहा हूं, ताकि जब मैं कोई चैप्टर चालू करूं तो आपको प्रॉब्लम ना. इसलिए अभी हम छोटी छोटी बातों पर जोर दे रहे हैं. ये चार्ज प्लस थ्री ही क्यों होता है ये भी एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, भविष्य में एक्सप्लेन किया जाएगा. अभी अपन को ये याद होना चाहिए, फर्स्ट ग्रुप प्लस वन, सेकेंड ग्रुप प्लस टू, एल्यूमिनियम प्लस थ्री, राइट. कुछ और आयन देखो, जिंक आयन. जिंक जब भी अपना आयन बनाता है हमेशा चार्ज होता है प्लस टू. अमोनियम आयन याद होना चाहिए, NH4+, NH4+ इज कॉल्ड अमोनियम आयन. ये मैंने आपको कुछ वो एलिमेंट बताए हैं जो सिर्फ एक प्रकार का चार्ज शो करते हैं, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस टू, प्लस वन. अब हमारे पास कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीडेशन नंबर या एक से अधिक प्रकार का चार्ज शो करते हैं. जैसे जैसे आपने देखा होगा आयरन. आयरन जो होता है जब ये आयन बनाता है तो प्लस टू भी शो करता है और प्लस थ्री भी शो करता है. ओके, ध्यान रखिएगा, अगर कोई एलिमेंट एक से अधिक प्रकार का चार्ज शो कर रहा है तो लोअर चार्ज का नाम अस पर खत्म होगा और हायर चार्ज का नाम इक पर खत्म होगा. मतलब दिस इज फेरस आयन, अस पर खत्म होगा, वाइल दिस इज फेरिक आयन, इक पर खत्म होगा. ओके, तो अगर लोअर चार्ज है तो अस पर खत्म होगा और हायर चार्ज है तो एक पर खत्म होगा. और जरा देख लो, थोड़े से बहुत सारे होते हैं बेटा, वो तो बस मैं आपको कुछ गिनी चुनी बातें बता रहा हूं. आयरन हो गया, फेरस और फेरिक आपने सुना होगा, कॉपर, Cu+1, Cu+2. तो लोअर वाले का नाम किस पे खत्म होगा, अस पर, और हायर वाले का नाम खत्म होगा एक पर. दिस इज क्यूप्रस, दिस इज क्यूप्रिक, ओके. तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं
जो एक से अधिक प्रकार का चार्ज शो करते हैं, लोअर वाले को कहते हैं अस, हायर वाले को कहते हैं एक। जैसे एक और देख लो, टिन, टिन का सिंबल होता है Sn। जब ये अपना आयन बनाता है तो Sn+2, Sn+4, अस पर खत्म होगा, एक पर खत्म होगा, स्टेनस आयन। एंड व्हाट इज दिस? स्टेनिक आयन। ठीक है, इतने बहुत है आपके लिए, बेसिक बातों में इतने बहुत है। चलिए, तो कैटायनों की चर्चा जो है वो खत्म करते हैं हम लोग। सुनो, बड़ा ध्यान सुनो, फिर से एक बार सुन लो। हम लोग पढ़ रहे हैं आयन्स के बारे में। आयन का मतलब जिन पे चार्ज होता है। दो प्रकार के हैं, कैटायन और एनायन। पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन होगा, नेगेटिव चार्ज है तो एनायन होगा। अगर कैटायन है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये गारंटी है कि प्रोटॉनों का नंबर इलेक्ट्रॉनों के नंबर से ज़्यादा होगा। अगर एनायन है, अगर निगेटिव चार्ज है, तो गारंटी है इलेक्ट्रॉनों का नंबर प्रोटॉनों के नंबर से ज़्यादा होगा। एक कॉमन सेंस की बात है, जैसा चार्ज होता है उस पार्टिकल का नंबर दूसरे पार्टिकल से ज़्यादा होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन ज़्यादा होगा, अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए। फर्स्ट ए ग्रुप जब भी अपना कैटायन बनाएंगे प्लस वन स्टेट का बनाएंगे। सेकेंड ए ग्रुप जब भी अपना कैटायन बनाएंगे प्लस टू स्टेट का बनाएंगे। एल्यूमिनियम जब भी अपना कैटायन बनाएगा प्लस थ्री स्टेट का बनाएगा। जिंक जब भी अपना कैटायन बनाएगा प्लस टू स्टेट का बनाएगा। कुछ ऐसे एलिमेंट भी बताइए जो एक से अधिक प्रकार का चार्ज शो करते हैं, जैसे फेरस, फेरिक, Fe+2, Fe+3, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, Cu+1, Cu+2, स्टेनस, स्टेनिक, Sn+2, Sn+4, राइट। अब हम लोग आ रहे हैं एनायनों के ऊपर। सुनो बेटा, एग्जाम्पल सुनो बेटा, जितने भी बेटा एनायन होते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इनका जब हम लोग नाम लिखते हैं तो इनके नाम बड़े आसान होते हैं। आल तो याद करने पड़ेंगे, ये तो याद करना पड़ता है पक्का। लेकिन एक बात बड़ी कॉमन है बेटा एनायनों के नाम में, क्या? एनायनों के जो नाम होते हैं बेटा, वो या तो आइड पर खत्म होते हैं या फिर एट और आइट पर खत्म होते हैं। वेरी कॉमन। जितने भी एनायन होते हैं, या तो उनके नाम लास्ट में आइड आ रहा होगा या फिर उनके नाम के लास्ट में एट या फिर आइट आ रहा होगा। जैसे सबसे पहले हम लोग वो आयन पढ़ते हैं जिनका नाम आइड पर खत्म हो रहा है। Whose name ends with ide? Very important. सबसे पहले हम लोग वो एनायन पढ़ेंगे जिनके नाम आइड पर खत्म हो रहे हैं। ओके, जैसे देखो बेटा, हाइड्राइड आयन बोले तो H-1। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन पर निगेटिव चार्ज लगा दिया, नाम किस पे खत्म हो रहा है? आइड पर खत्म हो रहा है। जैसे नाइट्राइड आयन N-3,
फॉस्फाइड आयन पी माइनस थ्री जैसे ऑक्साइड आयन ओ माइनस टू परऑक्साइड आयन ओ टू माइनस टू सुपर ऑक्साइड आयन ओ टू माइनस वन सल्फाइड आयन एस माइनस टू। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ा सा आसानी रहेगी आपको। इधर देखिए बेटा, नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, आपने 11th 12th में देखा होगा। एक ग्रुप होता है फिफ्थ ए ग्रुप, उसी में नाइट्रोजन है और उसी में फास्फोरस है। तो जैसा आयन इसका बनेगा n माइनस थ्री, वैसा ही आयन इसका बनेगा p माइनस थ्री, राइट। उसी प्रकार से सिक्स्थ ए ग्रुप में ऑक्सीजन और सल्फर दोनों होते हैं, तो जैसे बनता है ऑक्साइड वैसे ही बनता है सल्फाइड। ये देखिए, जैसे बना है ऑक्साइड वैसे ही बना है सल्फाइड। एक बात इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि सल्फर जो होता है वो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड जैसे आयन नहीं बनाता है, ये सिर्फ ऑक्साइड वाला आयन बना पाता है, बोले तो सल्फाइड, ठीक है। तो जैसा नाइट्राइड होगा वही फास्फाइड होगा, जैसा ऑक्साइड होगा वही आपका सल्फाइड होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ और देख लो, इन सभी के नाम किस पर खत्म हो रहे हैं? आइड पर खत्म हो रहे हैं। आइड 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 आइड। ओके, और देखो कुछ बेटा, जैसे मान लो मैंने बोला हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, मैंने बोला साइनाइड आयन CN माइनस, ओके। और एक और बता देता हूं मैं आपको, हैलाइड आयन बोले तो X माइनस। लिसन टू मी, यहां पर ये जो X है, X X का बड़ा मतलब होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। जैसे अगर तुमने फ्लोरीन पे माइनस लगा दिया तो नाम बन जाएगा फ्लोराइड आयन, सीएल पर माइनस लगा दिया क्लोराइड आयन, बीआर पे माइनस लगा दिया ब्रोमाइड आयन, और आई पे माइनस लगा दिया तो आयोडाइड आयन। इन जनरल हम लोग इसको बोल देते हैं हैलाइड आयन। बड़ा क्या बोल देते हैं? हैलाइड आयन, राइट। चल, तो पहले एनायन वो बताए जिनका नाम आइड पर खत्म होता है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, जब घर पर आप जाएंगे वीडियो के बाद क्लास के बाद, तो दो तीन बार इन सभी आयनों को रफ कॉपी पर लिखकर देखेंगे, ठीक है। ये सब आपको याद होने चाहिए, हो जाएंगे यार, साल भर बेटा यही सब तो आएगा। केमिस्ट्री एटम आयन यही तो केमिस्ट्री होती, तो इतनी बार आएगा कि आपको रट जाएगा। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप घर पर दो तीन बार
रफ कॉपी पर इन आयनों के सिंबल लिखकर याद करें। ओके, आओ और बढ़ते हैं। एग्जाम्पल वन हो गया, ऐसे आयन जिनके नाम आइड पर खत्म हो रहे हैं। अब हम लोग दूसरी कैटेगरी में जा रहे हैं, ऐसे एनायन जिनके नाम एट या आइट पर खत्म होते हो। हूज नेम एंड्स विद एट और आइट। Whose name ends with eight or eight? सुनो बेटा, आपको मैं एग्जाम्पल बताने से पहले दो बातें बताना चाहूंगा। जिन एनायनों का नाम एट या आइट पर खत्म होता है, हम लोग इन एनायनों को ऑक्सो एनायन कहते हैं। बेटा बोलो क्या कहते हैं? ऑक्सो एनायन। ऑक्सो एनायन का मतलब होता है बेटा कि इन एनायनों के अंदर ढेर सारे ऑक्सीजन होंगे। बोलो क्या होंगे? ढेर सारे ऑक्सीजन होंगे, एक से ज्यादा ढेर सारे ऑक्सीजन होंगे, इसलिए इनको कहते हैं ऑक्सो एनायन। बात नंबर दो, एट और आइट में सिर्फ एक ऑक्सीजन का डिफरेंस होता है। मतलब अगर एट से एक ऑक्सीजन माइनस कर दिया जाए तो वो आइट में बदल जाता है। ठीक है, लिख लो, एग्जाम्पल पे आओ, सब क्लियर होगा। जैसे जैसे मैंने बोला कार्बोनेट आयन, आप देख सकते हैं एट पर खत्म हो रहा है, ये ऑक्सो एनायन होगा, इसके पास ढेर सारे ऑक्सीजन होंगे, CO3-2, दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट आयन। सल्फेट आयन SO4-2, नाम एट पर खत्म हो रहा है, ढेर सारे ऑक्सीजन होंगे, आप देख सकते हैं चार ऑक्सीजन इसके पास है। फॉस्फेट आयन, ये भी ऑक्सो एनायन है, PO4-3। ठीक है, और देखो, जैसे आपने ये सुना होगा पर मैग्नेट आयन, MnO4-1, दिस इज कॉल्ड पर मैग्नेट आयन, MnO4-1। ठीक है, नाइट्रेट आयन NO3-1 इज कॉल्ड नाइट्रेट आयन NO3-1। बाइकार्बोनेट आयन HCO3- is called bicarbonate ion, oxalate ion
C2O4 माइनस टू इज कॉल्ड ऑक्सेलेट आयन। आप देखिए नाम किस पे खत्म हो रहा है, 8 पर खत्म हो रहा है। C2O4 माइनस टू इज कॉल्ड ऑक्सेलेट आयन। आप सुनना, बात करते हैं आइट का। जैसा कि आप देख चुके हो कि 8 में से एक ऑक्सीजन को कम करेंगे, मनोज 8 में से एक ऑक्सीजन को कम करोगे तो आइट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आइट वाले जो एनायन होते हैं वो सबके नहीं बनाए जाते, एक सल्फेट का बनेगा और एक नाइट्रेट का बनेगा, सबके नहीं बनते हैं, दो लोगों के बनते हैं। जैसे सल्फेट ये हो गया, तो अगर मैं आपसे पूछूं सल्फाइट आयन तो क्या करोगे, कुछ नहीं, सिर्फ एक ऑक्सीजन कम कर दोगे, SO3-2, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, अरे 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 बाहर जाके बात करो ना, नाइट्राइट आयन क्या करोगे, एक ऑक्सीजन कम कर दोगे, NO2-1, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको वो नाम बताए जिनका नाम 8 और आइट पर खत्म हो रहा है, इन्हें हम लोग कहते हैं ऑक्सो एनायन। ढेर सारे ऑक्सीजन इनके पास होते हैं, आपको ये याद होने चाहिए। आल्दो बच्चों को याद ही होंगे, फिर भी मैंने आपको बताया छोटी छोटी बातें। इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि इतने ही ऑक्सो एनायन होते, बहुत सारे होते हैं। अब बहुत सारे तो नहीं बता पाएंगे, धीरे धीरे आपके सामने आएंगे। अभी कुछ बेसिक एनायन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो कैटायन हो गए कुछ बेसिक, एनायन हो गए कुछ बेसिक। अब हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं, ठीक है। देखो लिख लीजिए, लिख लिया होगा। 8 और आइट में क्या डिफरेंस होता है, एक ऑक्सीजन का डिफरेंस होता है। 8 वाले से एक ऑक्सीजन को कम कर दो बस, तो आइट वाला बन जाता है, ठीक है। कुछ पानी यानी लाओगे मनोज, हटा दे इसको, ठीक है। आप सुन, देखो बेटा हमारी केमिस्ट्री यही है बेटा, बहुत सरल होती है केमिस्ट्री, कठिन तो कुछ है ही नहीं पूरी केमिस्ट्री। आप देखते चलिएगा, आप नीट से लेकर IIT तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत आराम से। कंपटीशन में जरूरत बस इतनी होती है कि आप थोड़ा ईमानदारी से, 12th में आपने जो किया वो किया, बस यहां पे थोड़ा ईमानदारी की, थोड़ा डिवोशन की जरूरत होती है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, नीट की तैयारी के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे बहुत तेज दिमाग नहीं चाहिए, वो है तो अच्छी बात है ऊपर वाले के पास। हमें जरूरत है एक ऐसे स्टूडेंट की जो अपना 100% दे सके, जो अपने सिलेक्शन के लिए ईमानदार हो, जो माता पिता का सीना चौड़ा करने के लिए पढ़ाई कर रहा हो। हमें एक ऐसे स्टूडेंट की जरूरत है। तुम किसी चीज को थोड़ा देर से समझते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम समझने का प्रयास ही नहीं करना चाहते हो, दिस इज द बिग प्रॉब्लम। तुम्हें देर में समझ में आए नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम समझने का प्रयास ही ना करो, दिस इज द बिग प्रॉब्लम। तो बस नीट के लिए, एम्स के लिए हमें जरूरत होती है ऐसे स्टूडेंट की जो मेहनत कर सके, ईमानदारी से पढ़ाई कर सके, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखिएगा, यही कंपटीशन में सक्सेस पाने की कुंजी है। नहीं चाहिए मुझे बहुत आइंस्टीन का दिमाग या न्यूटन्स का दिमाग, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आप जुझारू होने चाहिए, है ना।
अब हम लोग एक स्टेप आगे जा रहे हैं, इनको जरा याद रखिएगा जो भी मैंने आयंस आपको बताए। घर पर 3-4 बार रफ कॉपी पर ये सारे नाम लिखकर देखोगे। ठीक, अब सुनना बेटा। देखो बेटा, मान लो तुम्हारे पास कोई कैटायन है ए जिस पर चार्ज है प्लस एन, कोई दूसरा आयन है बी चार्ज है माइनस एम। ठीक, अब कैटायन और एनायन अपोजिट चार्ज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और दोनों कंबाइन करेंगे। अब देखो ये कंबाइन कैसे करते हैं, आपने पढ़ा होगा इसका चार्ज क्रिस क्रॉस करके इधर लिख देते हैं और इसका चार्ज क्रिस क्रॉस करके इधर लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फार्मूला बना, ए के नीचे क्या आ गया एम और बी के नीचे क्या आ गया एन। दिस इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला। तो कैसे बनाएंगे कैटायन और एनायन से हम लोग फार्मूला, चार्जों को क्रिस क्रॉस कर देते हैं ए एम बी एम, राइट। जैसे जैसे मैंने बोला सोडियम कार्बोनेट एक ये दिया, मैंने कुछ बताना चाहता हूं जरा देख लीजिए पहले, और एक दिया मैंने कैल्शियम फॉस्फाइड। मैंने बोला इनके फार्मूले बनाकर दिखाइए, कुछ बताना चाहता हूं पहले वो देख लीजिए। देखो फार्मूला बनाना है तो एक कैटायन की जरूरत है, एक एनायन की जरूरत है। ठीक, आयनों के फॉर्म में चाहिए होगा। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है, लीना करे रब से फरियाद, तो अगर फर्स्ट ग्रुप का है तो सोडियम पे चार्ज क्या होगा प्लस वन, अभी भी मैंने बताया। कार्बोनेट आयन ऑक्सो आयन है, अभी अभी सिंबल बताया CO3-2। ठीक है, क्रिस क्रॉस कर दो, दो यहां जाएगा एक यहां जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा Na2CO3, राइट। इसका चार्ज इसका नंबर बन जाएगा, इसका चार्ज इसका नंबर बन जाएगा Na2CO3, राइट। कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का है, चार्ज होगा प्लस टू, तो कैल्शियम लिख दिया प्लस टू। फॉस्फाइड अभी भी मैंने बताया, फॉस्फाइड आयन क्या होता है P-3। अब मुझे फार्मूला बनाना था तो इसका चार्ज इसका नंबर बन जाएगा नीचे आ जाएगा इसके, और इसका चार्ज इसके नीचे आ जाएगा Ca3P2। बात बेटा क्लियर हो गया। और देखो दो और देख लो, कुछ बताना चाहता हूं फिर आप लोग करिएगा। मैंने बोला फेरिक सल्फेट, बताइए भाई इसका फार्मूला क्या होगा, ध्यान दो सब लोग। थोड़ी देर पहले आपने देखा था आयरन दो प्रकार के चार्ज शो करता था, दो प्रकार के कैटायन बनाता था, फेरस और फेरिक, प्लस टू और प्लस थ्री। एक लगाए मतलब अपन को हायर वाला चाहिए, तो फेरिक Fe+3। और सल्फेट क्या होता है बेटा, अभी अभी बताया मैंने SO4-2। क्रिस क्रॉस करो, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, Fe2SO4 का होल थ्राई। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, देखो बेटा अगर कोई आयन सिंगल एटम से मिलकर बनता है, सिंगल एटम, तो उसका जो नंबर होता है वो बिना ब्रैकेट लगाए लिख दिया जाता है। फिर अगर कोई आयन ढेर सारे एटमों से मिलकर बनता है तो उसका नंबर लिखने से पहले
हम उसे ब्रैकेट में बंद करते हैं। बेटा बोलो किस में बंद करते हैं? ब्रैकेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरी बात। सिंगल एटम वाला अगर आयन है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है। ढेर सारे एटमों से बना आयन है तो ब्रैकेट लगाने के बाद नंबर लिखा जाता है। ओके, अच्छा। तो ये फॉर्म एक लास्ट और एग्जांपल देखो तो मेरी कहानी खत्म हो जाए, आप कंटिन्यू करिएगा। मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट, फार्मूला बताना था। चलिए इनके आयन्स लिखो। कैल्शियम क्या होता है? सेकेंड ग्रुप का Ca+2। कार्बोनेट क्या है? CO3-2। अब देखो, अगर बेटा कैटायन और एनायन पर ऐसा चार्ज है जो एक सिंगल नंबर से काटा जा सके, दो से काटा जा सके, तीन से काटा जा सके, चार से काटा जा सके, किसी पर्टिकुलर नंबर से काटा जा सके, जैसे इस पर भी +2, इस पर भी -2, हम इन चार्जों को एक कॉमन नंबर दो से कैंसल आउट कर सकते हैं। जैसे 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ये नहीं होगा इसको 2 से काटा, इसको 4 से काटा, एक कॉमन नंबर से हम उन चार्जों को अगर कैंसल कर सकते हैं तो कैंसल कर देते हैं। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर दोनों चार्जों से किसी नंबर को कॉमन लिया जा सके तो उस नंबर को कॉमन लेकर बाहर फेंक देते हैं। जैसे +2 -2, इन दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, जिस चीज को कॉमन ले लिया उसको बाहर फेंक दिया। अब तुम ये समझो कि इसके ऊपर चार्ज +1 है, इसके ऊपर चार्ज -1 है, तो फार्मूला आपका क्या बन गया? CaCO3। 2 2 कैंसल हो गए, सिंपल चार फार्मूला बन गया CaCO3। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर कैटायन और एनायन पर चार्ज जो उपस्थित है उससे कुछ कॉमन लिया जा सके, मतलब उसको किसी कॉमन नंबर से कैंसल किया जा सके, तो पहले कैंसल करेंगे फिर क्रिस क्रॉस करेंगे। ठीक है, आपको जान के खुशी होगी कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइम स्टोन कहते हैं, कैल्साइट कहते हैं, मार्बल कहते हैं, चौक कहते हैं, खड़िया कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो अब कुछ आप लोग करके दिखाएंगे। राइट, हमारे ये लेक्चर आपको एहसास दिला रहे होंगे 9th, 10th और 11th का। ये सारी चीजें आप लोगों ने अपने 9th, 10th, 11th में पढ़ रखी हैं, फिर भी मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना। मैं बोलूं कैल्शियम कार्बोनेट तो तुम अगल बगल ना देखोगे कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए CaCO3। मैंने बोला सोडियम कार्बोनेट, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए Na2CO3। ठीक है ना, चलो अब कुछ आप लोग करके दिखाओगे। फटाफट पेन कॉपी पकड़ लो और फटाफट करना चालू कर दो बेटा। चलो मैग्नीशियम नाइट्राइड, कोई भी आयन आपको अभी याद ना हो पाया हो तो पन्ना पलट कर पीछे से देख लेना। ठीक है, बनाना चालू करो। मैग्नीशियम नाइट्राइड,
कैल्शियम फॉस्फेट फटाफट बनाना चालू करो, पोटेशियम पर मैग्नेट, अमोनियम क्लोराइड, फेरस ऑक्सैलेट। चलिए जल्दी से बनाइए। जल्दी से बनाइए। कैटायन लिखिए, एनायन लिखिए, चार्जों को क्रिस क्रॉस कर दीजिए, फार्मूला बन जाएगा। अगर चार्ज किसी कॉमन नंबर से कैंसिल किया जा सके तो पहले कैंसिल करोगे फिर क्रिस क्रॉस करोगे, ठीक है ना? किया बेटा, आराम से करो। चलो देखो बेटा, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम सेकेंडरी ग्रुप का है, अभी अभी बताया था, चार्ज होगा +2 और नाइट्राइड आयन होता है N-3। इन दोनों नंबरों से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसलिए सिंपल क्रिस क्रॉस कर दीजिए तो फार्मूला बनेगा Mg3N2। क्या बनेगा फार्मूला? Mg3N2, राइट। इधर आइए, कैल्शियम आयन Ca+2, फॉस्फेट आयन PO4-3। यहां से भी कुछ कॉमन नहीं आ सकता है, सिंपल क्रिस क्रॉस कर दो। Ca3 PO4 का होल ट्वाइस। आप देख रहे हैं एन के नीचे जो नंबर आया, ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन PO4 के नीचे अगर नंबर आया तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है? कैल्शियम फॉस्फेट, आपको मैं बताना चाहता हूं कि कैल्शियम फॉस्फेट को फॉस्फोराइट भी कहते हैं और बोन एस भी कहते हैं, हड्डी की राख। कैल्शियम फॉस्फेट को फॉस्फोराइट भी कहते हैं, बोन एस भी कहते हैं, हड्डी की राख कहते हैं, ठीक है? हड्डी की राख, राइट। आगे बढ़ो, पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है, +1 चार्ज होगा और पर मैग्नेट आयन मैंने अभी बताया था MnO4-1। ये भी है, वन ये भी है, वन को लिखने की जरूरत नहीं होती, सिंपल इट इज KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। ओके, ये वन इधर जाएगा, ये वन इधर जाएगा, वन को लिखने की जरूरत नहीं होती, सिंपल KMnO4। ओके, अमोनियम आयन NH4+, क्लोराइड आयन Cl-, अगेन चार्ज वन है, क्रिस क्रॉस करो और वन को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती,
इट इज NH4Cl। आपको मैं बताना चाहता हूं अमोनियम क्लोराइड को हम लोग नौ सादर कहते हैं। बेटा बोलो क्या कहते हैं? नौ सादर। बेटा बोलो क्या कहते हैं? नौ सादर NH4Cl को। या एक नाम और भी होता है सेल अमोनियक। एक नाम और भी होता है सेल अमोनियक। ये कॉमन नेम्स होते हैं बेटा, जो अपन लोगों को याद करने पड़ते हैं, कॉमन नेम्स होते हैं। और आपको ये जान के खुशी होगी कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बोन एस क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। नौ सादर क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड इज नौ सादर। ओके, आगे बढ़ो बेटा। फेरस ऑक्सैलेट, एफ ई प्लस टू ये फेरस हो गया और C2O4-2 ये ऑक्सैलेट हो गया। अब जल्दी से बता दो, ये जो चार्ज आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये कैंसल आउट होंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 कैंसल आउट हो गए। अब इनको आप क्रिस क्रॉस करोगे और जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इट इज फेरस ऑक्सीलेट FeC2O4, फेरस ऑक्सीलेट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों के सही हुए होंगे। आप लोग सामने होते तो कॉपी देखते आप लोगों की, लेकिन चलिए खैर, अपने अपनी ईमानदारी से देखो कितने लोगों के सही हुए कितने लोगों के गलत हुए। अगर गलत हुए तो क्या गलत किया आपने ये भी देखिए, लिखो उसको। ठीक है, बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, लास्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं। बता दे तो आज हमारे स्टूडेंट ने हमसे आयन के बारे में पढ़ा। आयन दो प्रकार के हैं, पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, नेगेटिवली चार्ज एनायन। कैटायन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटोनों का नंबर ज्यादा होगा, एनायन चूंकि नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉनों का नंबर ज्यादा होगा। कुछ हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़े कैटायन और एनायन के, अभी फिलहाल आपको याद करना है, 3-4 बार रफ कॉपी पर लिखकर देखोगे। जहां बैठे हो वहां पर बोलो, बोलो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जब भी अपना कैटायन बनाते हैं चार्ज क्या होगा? +1। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट जब भी अपना कैटायन बनाएंगे चार्ज क्या होगा? +2। एल्यूमिनियम +3, जिंक +2। ये तो हो गए वो आयन जो फिक्स एक प्रकार का चार्ज शो करते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो एक से ज्यादा प्रकार का शो करते हैं, तो लोअर वाले को कहोगे अस और हायर वाले के कहोगे एक। बोलो फटाफट, फेरस आयन Fe+2, फेरिक आयन Fe+3, क्यूप्रस आयन Cu+1, क्यूप्रिक आयन Cu+2, स्टेनस आयन Sn+2, स्टेनिक आयन Sn+4। अब हम लोग आते हैं एनायनों पर। एनायनों में मैंने दो एग्जांपल आपको बताए, वो एनायन जिनके नाम आइड पर खत्म हो और दूसरे वो एनायन जिनके नाम एट या आइट पर खत्म हो, इन्हें हम लोग कहते हैं ऑक्सो एनायन, राइट। फार्मूला जब मैंने एग्जांपल आपको दिखाए तो यहां पर भी आपने दो बातें एक्स्ट्रा सीखी। पहली बात आपने सीखी, अगर कोई सिंगल एटम वाला आयन है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है,
लेकिन अगर ढेर सारे एटमों से मिलकर कोई आयन बना है तो ब्रैकेट लगाने के बाद उसका नंबर लिखा जाएगा। दूसरी बात आप लोगों ने सीखी, अगर कैटायन एनायन का चार्ज से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, या यू बोलो उसे किसी सेम नंबर से कैंसिल किया जा सकता है, तो पहले कैंसिल करेंगे फिर उसका क्रिस क्रॉस करेंगे। ओके, चलो अब हम लोग बात करेंगे आगे। सुन बेटा, अब एक आखिरी क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, उस आखिरी क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक आखिरी क्वेश्चन सुनना, तुम लोगों ने अभी भी देखा कि कैटायन है, एनायन है, चार्जों को क्रिस क्रॉस कर दिया तो फार्मूला बन गया। बन गया अभी तो ये कर रहे। अब सुन, अब तो क्या मैं ये भी तो कह सकता हूं इस नंबर को इसके ऊपर लिख दो और इस नंबर को इसके ऊपर लिख दो तो तुम्हें आयंस पता चल जाएंगे। ये भी तो कह सकता हूं, चार्ज का क्रिस क्रॉस किया तो फार्मूला मिल गया और फार्मूले में इन नंबरों को क्रिस क्रॉस किया तो आयंस मिल गए। क्या मिल गए? आयंस मिल गए। जैसे मैंने आपसे बोला सोडियम कार्बोनेट, तो जाहिर सी बात है यहां से क्लियर हो रहा है कि कार्बोनेट का नंबर क्या है, 1, तो Na प्लस होगा और CO3 माइनस 2 होगा, यही तो होगा। बताओ बेटा, ये कार्बोनेट है, CO3 पूरा का पूरा एक आयन होता है, नंबर क्या है इसका, 1, तो सोडियम का चार्ज क्या आया, प्लस 1, और कार्बोनेट का चार्ज क्या आया, माइनस 2। ठीक है, तो नंबर को क्रिस क्रॉस करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, उसके आयंस का फार्मूला मिल जाएगा। ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन जरा ये देखो, एक क्वेश्चन क्वेश्चन दिया बेटा, ए मेटल बाइकार्बोनेट इज MHCO3, देन फाइंड आउट फार्मूला ऑफ मेटल सल्फेट। ये क्वेश्चन दिया नंदू बेटा। अब एग्जामिनर कह रहा है कि कोई मेटल है, अब मेटल का नाम तो बताया नहीं कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, जिंक है कि आयरन है, नाम तो बताया नहीं। जब नाम नहीं बताया तो आपको उस पर चार्ज भी नहीं मालूम होगा, ये तो आपके लिए अननोन हो गया। तो एग्जामिनर ने क्या किया, उस मेटल बाइकार्बोनेट का फार्मूला आपको बता दिया और क्वेश्चन पूछा इसी मेटल के सल्फेट का फार्मूला क्या होगा। अब जरा मेरी बात समझना, अगर मुझे इस मेटल पर चार्ज पता चल जाए तो उस चार्ज को सल्फेट के चार्ज के साथ क्रिस क्रॉस कर देंगे तो मेटल सल्फेट का फार्मूला आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि मेटल के ऊपर चार्ज कैसे पता करें। वेरी सिंपल, एग्जामिनर ने उसके बाइकार्बोनेट का फार्मूला बता दिया है। अभी अभी आप लोगों ने देखा था कि फार्मूले में हम नंबर को क्रिस क्रॉस कर दें, इसका नंबर क्या है, 1, और ब्रैकेट के नीचे क्या लिखा है, 1, कुछ नहीं लिखे होने का मतलब है 1। तो जल्दी बताओ मेटल का चार्ज क्या आ गया, प्लस 1,
अब बाइकार्बोनेट का कितना आ गया, माइनस आ गया। देखो तो इन नंबर को क्रिस्क्रॉस किया तो चार्ज आ गया। अब सवाल ये है इस मेटल के सल्फेट का फार्मूला बताओ। तो ये रहा मेटल जिस पर चार्ज है प्लस वन, सल्फेट के साथ फार्मूला बनाना, सल्फेट होता है माइनस टू, क्रिस क्रॉस। तो मेटल सल्फेट का फार्मूला आ गया M2SO4। दिस इज योर आंसर, राइट। तो आपने इस सवाल की खूबसूरती देखी बेटा, इन्होंने मेटल का नाम नहीं बताया, नाम नहीं बताया तो चार्ज भी नहीं मालूम अपन को। तो इन्होंने घुमा के क्या किया, उस मेटल के बाइकार्बोनेट का फार्मूला बताया जिसको क्रिस क्रॉस करके हमने मेटल पे चार्ज निकाल लिया, और उस चार्ज को सल्फेट के साथ क्रिस क्रॉस करके हमने सल्फेट का फार्मूला बना लिया। ओके, बिल्कुल इजी, आराम से, बिल्कुल आराम से। एक क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन और दे दे रहे, देखिए। ए मेटल फॉस्फेट इज देन फाइंड आउट फार्मूला ऑफ मेटल कार्बोनेट, ठीक है, किया जाए। समझ तो गए होगे, मेटल के बारे में नहीं बताया तो मेरे को मेटल का चार्ज नहीं मालूम है, और जब तक चार्ज नहीं मालूम होगा तब तक उसका कार्बोनेट का फार्मूला नहीं बना पाएंगे। तो क्या किया जाए, देखो इन्होंने उस मेटल के फॉस्फेट का फार्मूला आपको बताया है, ठीक। अब इन नंबरों को क्रिस क्रॉस अगर कर दे तो आयंस पे चार्ज पता चल जाएगा। तो मेटल पे चार्ज कितना आ गया, प्लस टू, और फॉस्फेट पे चार्ज कितना आ गया, माइनस, राइट। अब मेरे को इस मेटल का फार्मूला बनाना है कार्बोनेट के साथ, तो मेटल का चार्ज प्लस टू है, कार्बोनेट का माइनस टू है, दोनों नंबर कैंसल आउट हो रहे हैं किसी कॉमन नंबर से, दो एक कम दो, दो एक कम दो, वन को क्रिस क्रॉस कर दो, वन को लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो इसके मेटल कार्बोनेट का फार्मूला बन गया MCO3। ओके बेटा, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने आयंस के बारे में सीखा, कैसे फार्मूला बनाते हैं ये भी सीखा, फार्मूले को कैसे आयन में बदलते हैं ये भी सीखा, ठीक है। तो आज की छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातों में ये खत्म होता है आयंस के बारे में। तो पहला लेक्चर एटम्स के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, दूसरा लेक्चर आयंस के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, अब हम लोग अगली क्लास में एक तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि छोटी छोटी बातों के हम 7 या 8 लेक्चर्स लेंगे और इसे पूरी केमिस्ट्री हम आपको दिखा डालेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ अलविदा लेते हैं, अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी। ओके ओके भाई, थैंक यू। और सुनो अच्छे से, अच्छे से ये सारे आयंस 3-4 बार रफ कॉपी पर लिखकर देखोगे। इवन मैं तो सीधे बोलना चाहूंगा कि आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। ओके।